अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3x8 डिकोडर कैसे बनता है। इसकी ब्लॉक डायग्राम आपको मैं समझाऊंगा, इसका ट्रूथ टेबल मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे बनता है। चलो जी चलते हैं, हम कैसे 3x8 डिकोडर काम करता है। 3x8 इनकोडर एंड इनपुट्स और 2 की पावर एंड आउटपुट्स एंड 3 और 2 की पावर 3 हमारे पास आउटपुट्स होंगी, ठीक है। और मतलब कि हमारे पास 8 आउटपुट्स हो जाएंगी। ये हमारे पास ब्लॉक डायग्राम है 3x8 डिकोडर की। 3 इनपुट्स है हमारे पास, ए बी सी, कोई भी आप फर्ज कर सकते हैं ए बी सी, और 8 आउटपुट्स हैं D0 से लेकर D7 तक। मैं अब इसका ट्रुथ टेबल बनाता हूँ, ठीक है। ए बी सी 3 जो हमारे पास इनपुट्स हैं, मैंने इसके हिसाब से ये कर लिया, इसकी कॉम्बिनेशन बना लिया 4041 2021 2021 01 01 01, ठीक है। अब हमने जो मेन काम है हमारा ट्रुथ टेबल में चेक करने का, जब हमारे पास ये तीनों इनपुट 0 0 पे होंगे तो पहली आउटपुट चलेगी, ठीक है, ये हाई होगी, 1 होगी। जब ये इस तरह का कम्बिनेशन होगा तो दूसरी होगी, जब 0 1 0 होगा तो तीसरी आउटपुट हाई होगी, और सेम एज डायगनल में ये चलेगा, ऐसे ये डायगनल देख रहे हैं आप, ठीक है। अब मैंने इसकी बनानी है लॉजिक एक्सप्रेशन, ये देखिए लॉजिक एक्सप्रेशन मैंने बनाई है। इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन कैसे बनी है ये चेक करें। डी ज़ीरो के लिए आप इसकी ये चेक करें, ए बी सी, ए बार बी बार सी बार, ठीक है। जहाँ जहाँ पे 0 है वह उसको बार लेंगे, और जहाँ पे 1 है उसको सिंपल लेंगे। D0 पे ए बार बी बार सी बार। D5 के लिए चेक कर लेते हैं, D5 के लिए चेक करें ये ए बी बार सी, ये इधर से चेक करते हैं हम ए बी बार सी, सेम एज मैंने ऐसे सारे ऐसे ही बनाए हैं, ठीक है। अब मैं इसका लॉजिक सर्किट बनाऊंगा। लॉजिक सर्किट में मैंने ए बी सी 3 इनपुट्स लिए, उनको मैंने नॉट गेट से गुजार के उनका बार ले लिया है। D0 के लिए हमें क्या चाहिए, ए बार बी बार सी बार, और ये मैंने ले लिया ए बार बी बार सी बार, और सेम इनके लिए सबके लिए ये चेक कर लेते हैं। D4 में क्या है, ए बी बार सी बार, ये ए हमारे पास बी बार सी बार, ठीक है, ये D4। सेम इसी तरह आप सारे कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने एक मेन चीज़ जो सीखी है, उसमें अगर 3x8 डिकोडर का है तो हम उसके ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे, ब्लॉक डायग्राम के बाद उसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल में जितने हमारे पास इनपुट्स हैं उस हवाले से हम उसको ट्रूथ टेबल में मेंशन करेंगे, और पहले पे हमारे पास पहली आउटपुट चलेगी, दूसरे पे दूसरी, तीसरे पे तीसरी, आपने चेक किया होगा, मैंने आपको अभी दिखाया था। फिर मैं उसकी लॉजिक एक्सप्रेशन बना के हम उसका लॉजिक सर्किट बना देंगे।